नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफी दिनों से लगातार हमें इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और कुछ दिन पहले में 2 दिन गिरावट भी देखने को मिली थी, और आज अगेन हमें इसमें काफी अच्छी जो है तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये आज तेजी आई है, तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि इसमें आपको फिर से बड़ी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, या ये जो है एक ट्रैप बन रहा है लोगों के मन में और लोगों को फंसाने की कोई जो है बड़ी चाल चल रही है ऑपरेटर की तरफ से। आपको बताएंगे हम इस वीडियो में इसके आगे के कौन से जो है टारगेट रहेंगे। जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो लोग अपनी नेक्स्ट मूव क्या लें, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग जो है कौन से लेवल पर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ में जो लोग जो है इसमें लंबे समय के लिए रुके हुए हैं, लंबे समय के लिए पैसा लगाए हुआ है, वो लोग इसमें अपनी नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सुपर सेक्टर की काफी बड़ी इसमें एक न्यूज निकल के आ रही है, वो भी आपके जो है आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी वो न्यूज है और आगे ये कैसे जो है इसको अफेक्ट कर सकती है शेयर में, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आकर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएस स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने के आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, उस पर आप क्लिक करें और ग्रुप की लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सारी सुविधा का आप जो है फ्री में फायदा उठा सकते हैं। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी बॉक्स में पड़ी, उस पर क्लिक करें और लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली रेणुका शुगर में आज के दिन। तो अगर आप इसका आज का हाल देखें तो हमें इसमें ओपनिंग जो देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी 51.90 रुपये पर ओपनिंग हुई थी, और ओपनिंग क्या देखिए इसे थोड़ा अपना नीचे गया, डाउन गया और लगभग 50 रुपये 50 पैसे का लो लगाया, और उसके बाद देखिए काफी अच्छी तेजी आई। अगर आप देखें लो से टॉप तक देखें तो लगभग ये शेयर 10% तक बढ़ गया था, देखिए 10% तक बढ़ गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसने करेक्शन लिया, लगभग देखिए 5% के आसपास का करेक्शन लेने के बाद फिर से देखिए इसने अच्छी मूव दिखाई, और फाइनली क्लोजिंग हमें 3.32% की तेजी के साथ देखिए लगभग 54.45 रुपये पर आज देखने को मिली है, और इसने आज अपना फिर से हाई 56.45 रुपये, मतलब कि जो 56-57 का जो उसका लेवल है लगातार जो है ये इस लेवल को टच कर रहा है, और इस लेवल से बार बार रेजिस्ट करता हुआ हमें देखने वाला है, क्योंकि देखिए इसके पास पहुंचते ही देखिए इसमें हमें फिर से प्रॉफिट बुक देखने को मिली है, मतलब कि ये आपका काफी अच्छा जो है लेवल रेजिस्टेंस का काम जो है कर रहा है, जो आपका 56-57 रुपये के आसपास का लेवल है, और जो हमारा ये टारगेट भी था ये जो फिर से अगेन इसने जो है हमारे इस टारगेट को हिट किया है, मतलब कि इसमें काफी अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा बोले तो आपको अलर्ट होने शुरू होते हैं, आपको बताएंगे कैसे आपको अलर्ट रहना है। पहले आप देखते हैं 1 वीक में कैसे क्या हाल देखने मिल रहा है, तो 1 वीक में 4.31% रिटर्न है, और 1 मंथ में लगभग देखें 46.37% हमें रिटर्न अभी तक इसमें देखने को मिल चुके हैं। अब देखते हैं खबर कौन सी निकल के आ रही है, कौन सी वो खबर है शोर सेक्टर की। देखिए इसमें लिखा है शुगर एक्सपोर्ट में जंप टू 90 लाख टन इन 2021-22 तक जो है अपना ये जो अपना शुगर सेक्टर का एक्सपोर्ट है 90 लाख टन तक जो है अपना बढ़ते हुआ देखने मिलेगा। जो लास्ट ईयर कितना था जो आपने देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा पढ़ूं खबर को, तो शुगर एक्सपोर्ट आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज टू ओवर 90 लाख टन इन द करंट मार्केटिंग ईयर एंडिंग सितंबर फ्रॉम 71-72 टन इन द प्रीवियस में इतना था 71-72, और इस बार जो है 90 लाख टन तक जो है हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और इसका देखिए ऑन बेटर डिमांड फॉर द इंडियन स्वीटनर फ्रॉम बांग्लादेश इंडोनेशिया अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बॉडी ISMA। तो ये बॉडी है ISMA, इन्होंने जो है बोला कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया में काफी जो है डिमांड बढ़ रही है, इसलिए जो है भारत की तरफ से काफी अच्छा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट का जो है लगातार अपना जो बिजनेस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है शुगर सेक्टर, मतलब कि काफी अच्छी खबर है शुगर सेक्टर के लिए। और शुगर आपको पता है कि अपने भारत में काफी अच्छी मात्रा में हो रही है, अपना का एनवायरमेंट काफी अच्छा जो है फायदा है शुगर के लिए, तो इसलिए अपने काफी अच्छा चीनी का उत्पादन होता है, और हम इसलिए एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा जो है बाकी के देशों में कर पा रहे हैं, और अच्छा प्रॉफिट जो है बना पा रहे हैं, मतलब कि काफी अच्छी न्यूज है कि इस साल जो है अपना एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें अपना श्री रेणुका शुगर में कैसा ये खबर इफेक्ट करेगी, और साथ में कल इसमें कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिल सकती होगा। आप देखें तो आज का वॉल्यूम लगभग 3,53,93,775 शेयरों का हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला, और लगभग देखिए 10,676 शेयर, मतलब कि मात्र 10,000 के आसपास के हमें बाइंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि लोग अभी भी बाइंग साइड पर इंटरेस्टेड हमें देखने को मिल रहे हैं, और लगभग देखिए 33.18% की शेयरों की हमें डिलीवरी भी देखने को मिल रही है, मतलब कि डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट हमें लोगों का कम होते हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। और ये आपके थोड़ा सा एक बोलते घंटी आपके लिए बननी चाहिए कि अब इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है। अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत क्यों है, अगर मैं आपको दिखाऊँ क्यों जरूरत है अलर्ट मोड पर, तो देखिए पहली चीज़ आप पॉइंट देखिएगा, पहली चीज़ क्या है कि देखिए आपका जो
56.95। मैंने आपको देखिए जो टारगेट था हमारा, इसको इसने हेड किया था। देखिए ये हेड हो गया था हमारा काफी पहले, दो तीन दिन पहले मतलब हो गया था जब मार्केट ट्रेंड चल रहा था। और देखिए इसने आज भी देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास पे गया था, और उसके बाद से देखिए हमें गिरावट में देखने को मिली है। और आपका ये देखिए पहली चीज तो ये है कि आपका ये रेजिस्टेंस जोन के पास में, सेकंड चीज ये देखिए अपना ओवरबॉट जोन में चल रहा है लगभग। देखिए आपका ये इसका आरएसआई है लगभग 75 के आसपास का, इसका आरएसआई चल रहा है मतलब कि ऑलरेडी ओवरबॉट है। और आपका ये रेजिस्टेंस के पास में भी है, और वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा देखिए अब फिर से हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी आपको इसको होल्ड करना है, फिर सिंपल सब बताता हूँ क्या करना है आपको भी होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक ये आपका जो है ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ 53 पैसे के आसपास का जो अपना ये लेवल है आप इसके ऊपर रहता है तब तक आप इसको होल्ड करेंगे। और आपका टारगेट नंबर वन अभी भी हमारा 56.95 रुपये का है। और अगर ये इस लेवल को टच करे और रेजिस्टेंस ले, ध्यान सुनिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, अगर ये फिर से आपका ये 57 रुपीज़ का लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो आपको जो है फिर इसमें टेम्परेरी बेस पे क्या करना है, एग्जिट करना है। अगर ये यहाँ से क्या करें रेजिस्टेंस अगर लेता है तो शॉर्ट टर्म वाले क्या करेंगे इसमें अपना अभी के लिए फिर इसमें एग्जिट दे देंगे, फिर उनको इसमें अभी वेट अपना रोकना नहीं, उनको अभी इसमें फिर होल्ड नहीं करना है। मतलब शॉर्ट टर्म वाले क्या करेंगे इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 57 के लेवल पर, फिर वो जो है अपना फिर नीचे आने का इसका इंतजार करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग भी लॉन्ग टर्म में पैसा लगाए हुए हैं वो लोग भी यही चीज अपना है, अपना पार्शियल रूप से प्रॉफिट बुक कर लेंगे आप 57 रुपये पर। 57 पर क्या करेंगे आप पार्शियल रूप से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी की क्वांटिटी आप जो है लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड कर लेंगे अपने रिस्क के हिसाब से। बाकी आपका जो सपोर्ट हमारा जो सबसे बेस्ट सपोर्ट है वो 45.50 का हमें देखने को मिल रहा है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और आपका जो है ये लेवल बहुत पहले जो है लगातार आपका सपोर्ट का लेवल रहा है, तो इसलिए आपका मतलब क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस था पहले और रेजिस्टेंस टूटा है तो आपका ये आप सपोर्ट का काम करेगा 45.50 का। तो इसलिए जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शॉर्ट टर्म वाले अपना 57 पर अगर ये आपका रेजिस्टेंस ले दोबारा से, अगर ये अगेन यहां से रेजिस्टेंस ले तो आप इसको होल्ड फिर क्या करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे आप इसको क्या करेंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। शॉर्ट टर्म वाले पूरे रूप से 100% प्रॉफिट बुक करेंगे, और लॉन्ग टर्म वाले भी अपना इसमें प्रॉफिट बुक करते चलेंगे 57 रुपये के लिए तो अपना पार्शियल रूप से जरूर प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी क्वांटिटी आप जो अपना होल्ड कर लें, ठीक है। आपकी ये रहेगी रणनीति क्योंकि 57 बहुत अच्छा लेवल है आपका रेजिस्टेंस का, और अगर इसको इसने ब्रेक किया तो ब्रेक करने का आपका ये सीधे 63.10 के लेवल तक जाने की संभावना है। तो आपका ये जो लेवल है इसके बाद 63.10 पर आपका ये टारगेट रहेगा, अगर ये 57 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है कम से कम 2 से 3 दिन, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तभी आप इसको होल्ड करेंगे, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तो आप क्या करेंगे इसमें पर टेम्परेरी बेस पे अपना एग्जिट कर देंगे। और बाई जरूर करना है, बाई जो करना चाहते हैं वो 57 के ऊपर ही बाई करेंगे, अभी बाई नहीं करना है, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हो यहाँ से तभी बाई करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लेवल के पास में, और रेजिस्टेंस अगर यहाँ से ले तो बाई करने का मतलब नहीं आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इसके टूटने के बाद करें 57 के लेवल का, अगर ये 57 का लेवल टूटे तभी आप इसमें बाइंग करेंगे, वरना आपको बाइंग नहीं करनी। तो आप क्या करेंगे इसके नीचे आने का इंतजार करेंगे, फिर आप जो है 45 के लेवल पर आने का इसका इंतजार करेंगे, और आप फिर अपनी यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकते हैं। आपके 55.50 और 39.20 ये आपके आगे के दो आप सपोर्ट के लेवल रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट को पूछ सकते हैं। बाकी ओवरबॉट रूम में चल रहा शेयर और रेजिस्टेंस के पास में, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहे, आपने इतनी मेहनत से जो पैसा बनाया उसमें अपना थोड़ा सा अपना जो है अपना पैसा निकालते रहे। माता जी अपना आपके चल के आ रही है, खुद आपके पास जो है जब धनराशि चल के आई है तो अब उसको जो है उसका अपमान ना करें, थोड़ा पैसा अपना बाहर रख लें और अपना प्रॉफिट बुक करते चले, वरना आप जो है लॉस खा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी अच्छा पैसा बना लिया है, दुगना पैसा कर लिया है हमारे लेवल से। तो इसलिए ज्यादा लालच आपको करने की जरूरत नहीं है, पैसा आया है तो उसको थोड़ा सा अपना इज्जत दें और अपना थोड़ा सा जो है अपना ट्रेड केयरफुली करें। बाकी दोस्तों नहीं देखता वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए पैसा रिवेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।